हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। दोस्तों आप ये कार्ड देख रहे हैं, इसको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। इसको ऑन करते हैं तो ये सेल्फ टेस्ट होता है, जो इसका कंपनी का नाम है, रियल स्कैन में ये लगा हुआ था। उसके बाद इसमें ये एलबेट लिखा आने के बाद फिर इस पे डिस्प्ले ब्लैंक हो जा रही है कि कुछ नहीं आ रहा। तो कुछ क्यों नहीं आ रहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी 5 वोल्ट जो है वो भग जा रही है? तो देख लेते हैं। फाइव वोल्ट आ रही है, कंट्रोलर पे भी जा रही है, जा रही है, और कहीं देख लेते हैं, आ रही है। तो 5 वोल्ट जब आ रही है और उसके बाद, यानी कि कार्ड इस समय हमारा ऑन है लेकिन डिस्प्ले ब्लैंक है। लो बैट लिखा आया, या तो लो बैट लिखा ही रहता, वो लो बैट भी चला गया और डिस्प्ले ब्लैंक हो गई। चलो इसके जो प्रोग्राम है एक बार उसमें जाके देख लेते हैं। एंटर किया, ये इसमें बैटरी ऑफ 1.9 करके क्या है समझ नहीं आ रहा। ये तो बैटरी ऑन BAL शायद, ये बैलेंस बैटरी का बैलेंस है क्या? 5.4 पे बैलेंस है। 5.4 तक अगर ये, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, देखो हर कार्ड की जानकारी रखना तो संभव नहीं है, इतने सारे कंपनियाँ हैं, इतने सारे कार्ड हैं, तो हर किसी का ज्ञाता होना तो देखो हर किसी के लिए मुश्किल है ना। तो बस थोड़े से आइडियाज़ अपनी तरफ से लगाए जा सकते हैं, जब काम करते हैं एक्सपीरियंस हो जाता है। तो ये बैलेंस मान के चल रहा हूँ 5.4 तक, तो बैटरी ये हमारी काम करेगी। और बैटरी BL0 5.2, तो इसको मैं समझ पा रहा हूँ, बैटरी लो जो है इनेबल और 5.2, यानी कि 5.2 पे अगर हमारी बैटरी रहेगी, आ जाएगी, तो ये लो बैट दिखाएगा, बैटरी को लो दिखा देगा, 5.2 पे ये लो बैट दिखा देगा। और इसको जैसे ये BL0 है, इसको हम इनेबल डिसेबल करना चाहें तो इसमें ऑप्शन इन्होंने दे नहीं रखा। अगर हम चाहें कि 5.2 पे भी हमारी जो है कार्ड ऑन रहे, वेइंग स्केल ऑन रहे, तो और इस फीचर को हम डिसेबल कर दें, तो उसके लिए देखो यहाँ पे एडिट कुछ कर नहीं पा रहे। तो ऐसा नहीं है कि इसको डिसेबल कर दें, ये इनका इनबिल्ड है, इसमें एडिट नहीं कर सकते। तो फिर नेक्स्ट करते हैं, तो एलबेट लिखा आ जाने के बाद फिर ये डिस्प्ले इसमें ब्लैंक हो जा रही है। अब इसमें क्या कर सकते हैं, देखो मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, इस लो बैट के लिए अब हम क्या कर सकते हैं। देखो आपको मैं बताऊं, हमने एसी नहीं दे रखी, एसी यहां से आ रही है, जब हमने एसी नहीं दे रखी तो इस सेक्शन को भी नहीं हम देखेंगे, ठीक है। और ये हमारा हो गया लोड सेल वगैरह के लिए, ये हमारा डिस्प्ले के लिए हो गया। तो लो बैट का सिग्नल जो है वो कहाँ से है, क्या है, क्योंकि प्रोग्राम में तो इन्होंने एडिट का ऑप्शन दे नहीं रखा, तो एडिट तो हम इसको कर नहीं सकेंगे, यानी कि इसको हम डिसेबल नहीं कर सकेंगे। 5.2 पे अगर बैटरी है तो ये हमारा लो बैट दिखाता रहेगा। और हम, चलो ये तो सॉफ्टवेयर बेस हो गया, अब हार्डवेयर में हम इसमें क्या ऐसा ढूंढ सकते हैं कि कौन सी ऐसी चीज़ है। ये मैंने क्लियर करा दिया, ये तो एसी का हो गया, एसी हमने नहीं दे रखी तो इसमें हमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे कहीं कुछ नहीं करना है। अब बैटरी हम यहाँ से दे रहे हैं, देखो यहाँ से बैटरी दे रहे हैं, और बैटरी देने के बाद फिर क्या बचता है, देखो ये जो 2950 है इस पर हमारी वोल्टेज आ रही है, इन आउट दोनों हो रही है, यहाँ पे सब आ रही है, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना। तो अब इस लो बैट के लिए हम हार्डवेयर बेस क्या देखें, सॉफ्टवेयर आपको बता दिया, हार्डवेयर में अब हम क्या देखें। ये एक डायोड है,
ये एक डायोड है, ये रेजिस्टेंस है और ये रेजिस्टेंस है, ये कुछ NFP कैपेसिटर लगे हैं। तो ये मैंने चेक कर लिए हैं। चेक करने का तरीका मैंने आपको बता रखा है कि जब भी आपको कंपोनेंट लगे हुए चेक करने हो तो उनकी एक लैग जो है उठा लिया करें, क्योंकि पता चला उसके पैलर में दूसरा कंपोनेंट लगा है तो वैल्यू सही नहीं बता पाएगा। तो उसके लिए कंपोनेंट को कार्ड से फ्री कर लें, दोनों लैग ना निकालें, एक निकाल लें, चेक कर लें, उसको वापस लगा दें। तो ये कर लिया। अब उसको इतना कर लेने के बाद फिर जैसे ही मैंने ये प्रोग्राम में गया तो मैंने कुछ समझा, जहाँ तक मेरी समझ में आया है तो मैं वही अब थोड़ा करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि मैं सोच रहा था कि ये अगर लो बैटरी वाला फॉल्ट है, अगर हमारी बैटरी 5.2 है और हमें अपना कार्ड ऑन ही रखना है तो उसको क्या हम कर सकते हैं, तो वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा था। तो वो इसमें यहाँ पे मुझे नहीं मिला, क्योंकि ऐसा कुछ यहाँ पे इतना है ही नहीं। और सॉफ्टवेयर देखा तो सॉफ्टवेयर में इन्होंने इसको डिसेबल करने के लिए एडिट करने का ऑप्शन जो है वो नहीं दे रखा। तो अब एक काम और कर सकते हैं, हम एक काम करते हैं, बैटरी को हटाए देते हैं। हम बैटरी को मान रहे हैं अपनी 5.2 ही मान रहे हैं अकॉर्डिंग टू सॉफ्टवेयर। तो ठीक है, हम हटा देते हैं इसको, बैटरी मैंने हटा दी। अब बैटरी हटा देने के बाद मैं क्या करता हूँ, स्विच को तो शॉर्ट करना पड़ेगा, उसके लिए जम्फर नहीं है मेरे पास। एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ, इसको लगी रहने देता हूँ, क्योंकि इसमें मैंने स्विच के लिए कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है वायर, और ये मैंने अलग हटा दिया। ये आप देखिए, ये बिल्कुल मैंने अलग इसको हटा दिया। हटा देने के बाद अब हम क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर लेते हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। ये आप देखिए, ये ट्रांसफार्मर ले लेते हैं, इसका ये वायर है, इसको लेते हैं। इससे हमारा कंफर्म होगा कि, और सीखने को मिलता है देखो ऐसे ही। देखो ये कनेक्टर अलग है और इसमें जो दे रखा है वो अलग है, तो थोड़ी प्रॉब्लम आएगी क्योंकि इसका नहीं है ये। ये हो सकता है मुझे पकड़ के भी रहना पड़े। तो देखने की कोशिश करते हैं क्या आता है इसमें। देखो लो बैटरी तो चला गया हमारा, लो बैटरी हमारा जो आ रहा था इसमें वो चला गया, और कार्ड प्रॉपर वर्क कर रहा है, क्योंकि देखो लोड सेल इसमें नहीं जुड़ा है तो ये नंबरिंग जो आ रही है वो तो आएंगी। लेकिन फाइनली क्या है कि ये कंफर्म हो गया कि अगर बैटरी हमारी 5.2 है, इन वाले कार्ड में 5.2 अगर बैटरी है तो ये लो बैटरी आएगा, इसको हम जो है डिसेबल नहीं कर सकते, ऐसा कोई ऑप्शन इसमें नहीं है। तो इस वीडियो से शायद आप कुछ सीख पाए हूँ, मैं आपको कुछ सिखा पाया हूँ, समझा पाया हूँ। बस यही था कि मैं कोशिश कर रहा था कि प्रोग्राम से या हार्डवेयर से इसका कुछ सॉल्यूशन देखा जाए, लेकिन इस कार्ड में बाय सॉफ्टवेयर, ठीक है, ऐसा इसमें ऑप्शन में नहीं है कि हम इसको डिसेबल कर दें, जितना मैं समझ पाया हूँ। अगर आपके सामने ऐसी प्रॉब्लम कभी आई है, आपको पता है, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसका कोई तरीका है कि मेरी बैटरी 5.2 है और मुझे 5.2 पे ही ये ऑन कराए रखना है, तो ये आप मुझे प्लीज़ बताइएगा। तो वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।